हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफॉर्मल सेल। तो आज हम बात करने वाले हैं अपार के बारे में कि अपार एग्जैक्टली होता क्या है, क्या ग्रेडिंग सिस्टम है इसके अंदर, हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, और लास्ट में इसे फिल करते कैसे हैं, कैसे इसे फिल किया जाता है। सो अब हम बात कर रहे हैं अपार के बारे में, जैसे कि 2022 से लेके 2023 के अंदर। सो अपार यानी कि एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन। सो अपार क्यों फिल किया जाता है और अपार होता क्या है? सो बेसिकली जब आपकी एक साल की सर्विस हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तब आपकी सर्विस को देखा जाता है कि आपने कैसी सर्विस करी है, क्या वो अच्छी थी, क्या आपने कोई गलत काम तो नहीं करे सर्विस के बीच में, या फिर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, आप सस्पेंड तो नहीं हुई, या फिर आपने कोई घपला तो नहीं किया इस बीच के अंदर, और आपकी जो परफॉर्मेंस थी अभी तक की, क्या आपने वो बहुत अच्छी करी है या नहीं करी है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर वो अच्छी है तो आपको अप्रेजल मिलता है, आपको इंक्रीमेंट मिलता है। अगर आपने कोई भी घपला किया है तो आपका इंक्रीमेंट रुक जाएगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा। एंड वी ऑल नो इंक्रीमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, पैसा आता है किसको अच्छा नहीं लगता। ओके, सो मूविंग ऑन, अपार भरने की सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि आपकी जो सर्विस है वो 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज की सर्विस होनी चाहिए। ओके, दिस इज़ स्पेशली फॉर न्यू कमर्स, जितने भी न्यूली टीचर्स हैं उनके लिए है कि आपकी जो सर्विस है वो 90 डेज की होनी चाहिए। अब आप बोलोगे 90 डेज की सर्विस कब से लेके कब तक होनी चाहिए? सो हम जो अपार भर रहे हैं वो 2022 से लेके 2023 का भर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा सेशन काउंट होता है वो होता है 1 अप्रैल 2022 से शुरू होता है और ख़त्म होता है 31 मार्च 2023। तो आपका जो सर्विस है वो इस दोनों टाइम पीरियड के बीच में अगर देखा जाए तो 90 डेज का होना चाहिए। अगर 90 डेज का है तो अपार फिल करोगे, अगर 90 डेज से कम का है तो अपार फिल नहीं करोगे। मान लीजिए कि आपने DOE को ज्वाइन किया 4 जनवरी 2023 को और अब आप चेक करोगे कि आपको अपार भरना है या नहीं भरना। तो अब जब चेक करोगे तो जनवरी के अकॉर्डिंग, 4 जनवरी के अकॉर्डिंग, अगर हम 31 मार्च 2023 तक देखते हैं तो आपका 90 डेज नहीं बन रहा, आपका 3 मंथ यानी कि 90 डेज पूरा नहीं हो रहा। दैट मीन्स आप अपार फिल नहीं करोगे। ओके, लेकिन जिस भी लोगों ने 31 दिसंबर से पहले ज्वाइन किया है वो सब लोग अपार फिल करेंगे। वो इसी के अकॉर्डिंग है कि आपका 90 डेज की सर्विस कंप्लीट हो गई है तो अब आप अपार फिल करोगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। मूविंग ऑन, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो अपार के रिगार्डिंग हैं। सो आपकी जो रेटिंग होगी वो 1 से लेके 10 तक होगी, जिसमें लोएस्ट है 1 एंड हाईएस्ट है 10। एंड जो भी आप अपार फिल करोगे उसके अंदर 40% वेटेज ऑन असेसमेंट ऑफ वर्क आउटपुट एंड 30% ईच फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंसी। सो 30-40 का रेशियो चल के आपको ग्रेडिंग मिलने वाली है। नाउ अब ग्रेडिंग किस हिसाब से होगी एक बार वो चेक कर लेते हैं, ठीक है? नाउ अब जो यहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स हैं ये स्पेशली प्रिंसिपल के लिए हैं। मोस्टली केसेस में वो कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें ना हो बिकॉज उनके लिए काम बढ़ जाता है। बट अगर आपका बहुत बड़ा रीज़न है या फिर आप बहुत गंदा काम कर रहे हो या फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हो तब वो लोग डालते ज़रूर हैं इस चीज़ को। देखते हैं एक बार, अगर आपकी ग्रेडिंग 1 या फिर 2 है तो इसके अंदर यहाँ पे अलग से एक और जस्टिफाइड आपकी नोटशीट बनेगी, एक पेन पेंसिल वे में आपका एक अलग से लिखा जाएगा कि आपके क्या क्या फेलियर हैं, बिकॉज 1 और 2 ग्रेडिंग बहुत लोएस्ट में आती है। और अगर आपकी ग्रेडिंग 9 या फिर 10 आई है तो उस केस के अंदर भी आपकी अलग से जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, पेन पेंसिल वे में एक पूरा सारी चीज़ लिखी जाएगी कि आपने क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं आपकी कि आपको इतनी ज़्यादा ग्रेडिंग दी जा रही है। सो उस केस के अंदर अगर आपको 1 या 2 दिया जा रहा है जो कि लोएस्ट है और 9 और 10 दिया जा रहा है जो कि हाइएस्ट है, उस केस के अंदर प्रिंसिपल को या HOS को जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि भाई इन्हें इतना ज़्यादा या इतना कम क्यों दिया जा रहा है, ठीक है? मूविंग ऑन, अपार ग्रेडेड बिटवीन 8 एंड 10 विल बी रेटेड एट आउटस्टैंडिंग। अगर आपको अपार 8 या 10 के बीच में मिला है तो वो आउटस्टैंडिंग माना जाएगा
एंड विल बी गिवन अ स्कोर ऑफ 9 फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज स्कोर फॉर प्रमोशन. सो 8 या 10 के बीच में है, 8 या 10 का आपको ग्रेडिंग दी गई है, तो उसको एवरेज करके 9 लिखा जाएगा. सो दैट एक एवरेज कैलकुलेशन के लिए. मूविंग ऑन, अगर आपको 6 to 8 के बीच में मिला है तो वो वेरी गुड कंसिडर किया जाता है, जिसमें एवरेज स्कोरिंग 7 होती है. 6 या फिर 4 के बीच में आपको गिवन है, जिसमें रेटिंग आपको 6 की मिलेगी, जिसमें गुड कंसिडर किया जाता है. एंड गिवन अ स्कोर ऑफ 5, जिसमें 5 का स्कोर दिया जाता है, और अगर 4 से कम है आपकी तो इसमें स्कोरिंग आपकी 0 होती है. ठीक है. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आपकी ग्रेडिंग 6 से नीचे आई है, यानी कि गुड से नीचे है, तो उस केस के अंदर आपका इंक्रीमेंट नहीं होता, आपका इंक्रीमेंट रुक जाता है. दैट मीन्स 6 यानी कि एक एवरेज स्कोरिंग है, एक मिनिमल लेवल लेके चलो. अब मिनिमल लेवल से अगर आप नीचे आ गए तो ऑब्वियसली आपके इंक्रीमेंट रुक जाएगा. तो 6 से नीचे अगर आपकी हो गई है तो भाई आपको इंक्रीमेंट नहीं बनने वाला, तो इस चीज़ का ध्यान रखना. और अब आगे देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा. तो फॉर्म फिल करने के लिए जब भी आप फिल करने बैठोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और आपका फॉर्म जो होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पार्ट 1 जिसके अंदर जर्नल इन्फॉर्मेशंस देनी है आपको, जिसमें आपकी नॉर्मल बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी कि आपने कितनी वर्कशॉप करी है, कितने सेमिनार किए हैं, कि आपकी ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपके TLMs थे कैसे थे, आपके स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ रेपो कैसी है. सो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे पार्ट 1 के अंदर. पार्ट 2 के अंदर आपका सेल्फ असेसमेंट होगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि एकेडमिक के रिगार्डिंग आपका क्या टारगेट है. अगर हम एकेडमिक की बात करेंगे तो आपका टारगेट क्या है, क्या आपने वो टारगेट अचीव किया है या नहीं किया. सो ऐसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर्स लिखने होंगे. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट आता है कि अब अपारम फिल करने बैठते हैं. ठीक है, एक बार मैं आपको ना वो खोल के दिखाती हूँ जो नोटिफिकेशन DOE की तरफ से हमें मिली थी. हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके इधर उधर कहीं नहीं भागेंगे, सेम उसी को लेकर चलेंगे. सो यहाँ पे ID गिवन है, यहाँ पे सॉरी लिंक गिवन है. आपको लिंक को जैसे ही ओपन करोगे तो आपको पता ही है हमें DELE लॉगिन में जाना है. आई होप सबको ये पता है कि ये कहाँ से ओपन होता है. सो ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी ID, पासवर्ड एंड कैप्चा कोड डालना है. लॉगिन करोगे तो आपकी साइट कुछ ऐसे खुलती है, या आपकी ID खुल जाएगी. सो ID खुलने के बाद आप जाओगे पर्सनल पे, पर्सनल पे क्लिक करोगे. पर्सनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपार खुलता है. अपार के बाद जैसे ही अपार के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपार इंडेक्स फ्रॉम द डाइवर्टेड कैपेसिटी एम्प्लॉय, नेक्स्ट इज अपार इंडेक्स. तो आपको जाना है अपार इंडेक्स के अंदर. सो जैसे ही आप अपार इंडेक्स पे जाओगे तो आपके सामने ऐसा कुछ खुलेगा, दैट इज एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, यानी कि अपार. एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है. सो अपार फिल करने के लिए आपको सबसे पहले वाले पॉइंट पे जाना है, जैसे कि पर्सनल डिटेल एंड सेल्फ अप्रेजल. ठीक है, ओपन पेज पे जैसे ही आप जाओगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा. सो यहाँ पे 3 चीज़ें मांगी है. रिपोर्टिंग ऑफिसर, सो यहाँ पे जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो आपके बॉस है. यानी कि आपके बॉस कौन है, आपके बॉस है आपके HOS, हेड ऑफ द स्कूल. तो यहाँ पे आपको अपनी HOS की ID डालनी है. तो यहाँ पे आप उनकी ID डालोगे. ठीक है, ID डालने के बाद पीरियड फ्रॉम से लेके पीरियड 2 तक. सो यहाँ पे आप अपनी ज्वाइनिंग डेट डाल सकते हो. ज्वाइनिंग डेट से लेके 31/3/2023 ही रहेगी. पीरियड 2 के अंदर 31/3/2023 ही रहेगा, लेकिन पीरियड फ्रॉम से लेके आप अपनी ज्वाइनिंग डेट डालोगे. एंड जो ऑलरेडी बहुत सालों से काम कर रहे हैं वो अपनी ज्वाइनिंग डेट नहीं डालेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरी जो ज्वाइनिंग डेट है वो है 28 दिसंबर 2000, तो मैं वो नहीं डालूंगी यहाँ पे. ये जो अपार भरा जा रहा है वो 2022 से लेके 2023 तक का भरा जा रहा है. तो मैं यहाँ पे अपना जो मेन पिछला साल का जो जॉइनिंग डेट थी वो नहीं डालेंगे. वो हम डालेंगे यहाँ पे 1/4/2022. आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट.
ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो 2-3 साल हो गए जिन्हें काम करते हुए, और जिन लोगों ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, जैसे कि मान लेते हैं 28 दिसंबर 2022, तो वो लोग अपनी ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आप गो पे जाओगे तो आपके सामने यहाँ पे पूरा परफॉर्मर खुल जाएगा, पूरा फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आएगा पार्ट ए, जिसमें आपको अपनी जर्नल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। वैसे बहुत बड़ा है। ओके नाउ मैं यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर रही हूँ। सो जिन भी स्टूडेंट्स को या जिन भी टीचर्स को, आई एम सॉरी नॉट स्टूडेंट्स, टीचर्स, जिन भी टीचर्स को ये देखना है कि कैसे फिल करना है, प्लीज़ गो एंड चेक द पार्ट टू, बिकॉज ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है एंड आई डोंट वॉन्ट कि ये वीडियो बहुत बड़ी बने। सो प्लीज़ गो एंड चेक द सेकेंड पार्ट कि एग्जैक्टली इसे फिल कैसे करना है, ठीक है। आई टेल यू द होल मैटर कि कैसे डालना है, क्या डालना है और क्या क्या चीज़ें आप डाल सकते हो। सो डोंट डोंट वरी। फॉरगेट टू शो सम लव टू माई चैनल एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।